मुदालियत कमीशन, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते थे, जो 52-53 में बैठा था, 53 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी, उसने क्लियर थिंकिंग का एम रखा था स्कूल एजुकेशन के लिए कि क्लियर थिंकिंग बच्चे की डेवलप करनी है। तो लेकिन अब तक हम बच्चों की क्या, टीचर्स की, जिन्होंने टीचर बनना है उनकी क्लियर थिंकिंग नहीं डेवलप कर सके। कारण क्या है कि इंडिया में गाइडेंस की कमी रेगुलर रही है, ये बात सच है। गाइडेंस क्या है कि ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में से, ये नैरो मीनिंग अभी बता रहा हूं गाइडेंस का, अदरवाइज गाइडेंस एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, ब्रॉड लर्निंग एक्सपीरियंस है। नैरो मीनिंग में क्या है कि ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन में से कुछ चूज करना है, ऑप्शन है चूज करना है। टीचर ने जब बीएड करनी है तो उसने दो पेडागोजी सब्जेक्ट रखने हैं, जिसको पहले टीचिंग सब्जेक्ट कहा जाता था, दो चूज करने हैं, वो कौन से सब्जेक्ट रखें ये क्लियर नहीं कर सके। इवन मुझे 20 साल हो गए हैं बीएड कॉलेज में टीच करते हुए, लेकिन इतना डीप एनालिसिस मैंने भी नहीं किया कि जॉब सिलेक्शन तक ऐसी चॉइस होनी चाहिए जो जॉब सिलेक्शन के लिए आपकी बेस्ट हो। उसके लिए बड़े ही जो स्टेप्स हैं उसमें से गुजर के जाना पड़ता है कैंडिडेट को। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट बीएड के लिए होता है, फिर बीएड होती है, बीएड में दो चॉइसेस करनी होती है पेडागोजी की, उसके बाद आप जो स्टेट लेवल का जहां सेंट्रल लेवल का टीईटी देना होता है, उसके बाद जॉब सिलेक्शन टेस्ट होता है। क्या ऐसी सब्जेक्ट चॉइस कितने बच्चे करते हैं जहां उनको पता होता है, इस नॉलेज जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा, वो इतनी पता होती है कि मैं लास्ट तक गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन तक, जो मेरा एम है, अगर प्राइवेट का है तो डिफरेंट बात है ना, तो वहां तक पहुंच सकता हूं। इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ सोशल साइंस की, जिन टीचर्स ने सोशल साइंस की के लिए टीचर बनना है, जब पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस को ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स, पेडागोजी ऑफ सोशियोलॉजी, पेडागोजी ऑफ पब्लिक एड, पेडागोजी ऑफ जो 14 सब्जेक्ट एनसीटी ने अपनी लिस्ट में दिए हैं, उनमें से मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपने क्या पढ़ा है, इस पर डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं कि पहले ये समझ ले कि टोटल सिस्टम क्या है, बाद में मैं शायद डिसीजन ना दूं, डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा क्योंकि केस आपका है। सबसे पहले ये समझ ले, हाँ, द्विचित्ति क्या है, ऑप्शन को राइट चूज करने की जो प्रॉब्लम है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट है, उसने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी है ना, अभी तक मैंने यहां पर ये नहीं लिखा कि वो हिस्ट्री जो है कितने साल पढ़ी है, ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब बताऊंगा। यहां पर है हिस्ट्री कितने साल पढ़ी है, चलो मान लिया 3 साल पढ़ी है, सोशियोलॉजी 3 साल पढ़ी है, हिस्ट्री इसने 3 साल पढ़ी है, इसने सोशियोलॉजी 3 साल पढ़ी है, मतलब फर्स्ट कैंडिडेट है उसने हिस्ट्री 3 साल पढ़ी है, दूसरे ने सोशियोलॉजी 3 साल पढ़ी है, तीसरे ने हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी 3 साल पढ़ी है, तो इनको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। वेदर इस पर्सन ए को टीचिंग ऑफ एसएसटी लेना चाहिए, सोशियोलॉजी वाले को लेना चाहिए एसएसटी, या टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी लेना चाहिए, इसको टीचिंग ऑफ हिस्ट्री लेना चाहिए या सोशल साइंस लेना चाहिए, इनको क्या लेना चाहिए, टीचिंग ऑफ हिस्ट्री सोशियोलॉजी या टीचिंग ऑफ एसएसटी, तो इस पर बात करेंगे, पहले ये समझ लें। अच्छा, एक बात क्लियर कर रहे हैं कि सारे इंडिया में बीएड की चॉइस की बात हो रही है, बेशक मैं एक स्टेट का रेफरेंस दे रहा हूं, लेकिन आपको बात क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले फॉर सोशल साइंस, जिन्होंने सोशल साइंस के टीचर बनना है, एनसीटीई ने कौन से सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि इन सब्जेक्ट में से जो कैंडिडेट है उसने सब्जेक्ट स्टडी मिनिमम 2 किए हो, वो सब्जेक्ट जो दिए गए हैं एनसीटी की तरफ से वो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। देखिए पहले 4 मैंने कौन से रखे हैं जानबूझकर, ये स्कूल सब्जेक्ट डायरेक्ट है, इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, पहली गाइडेंस आपके लिए, डायरेक्शन शुरू हो गई कि अगर आपने ग्रेजुएशन में जहां आपने किसी को कहना है कि कौन से सब्जेक्ट टीचर के लिए रखने चाहिए, बेशक इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट संभावना कुछ भी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, ये स्कूल सब्जेक्ट है, मीन स्कूल में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स
सिक्स्थ से टेंथ तक टीच की जाती है. दैट इज व्हाई दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सोशल साइंस. नेक्स्ट है फिलोसफी, जो एनसीटी की लिस्ट है वो गिना रहा हूं. फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, पब्लिक एड है, सोशियोलॉजी है. ये ग्रीन से है, ये अभी तक ग्रीन वाला चल रहा है. नेक्स्ट एनवायरमेंटल स्टडी एनसीटी ने नहीं दिया, फिर मैंने यहां क्यों लिखा है ये बताता हूं. एनसीटी ने एजुकेशन रखा है, डिफेंस स्टडी रखा है, रिलीजियस स्टडी रखा है, सोशल वर्क रखा है और कम्युनिटी एजुकेशन रखा है. ये 13 सब्जेक्ट जो है इसको निकाल के एनसीटी ने दिए हैं कि इनमें से 2 सब्जेक्ट कैंडिडेट ने पढ़े हुए होने चाहिए. ठीक है, सब्जेक्ट च्वाइस हम बेस्ट की बात करें ना इस वीडियो में. बेस्ट कैसे होगी कि हमने किसके लिए जाना, किसके लिए जॉब के लिए. अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, बीएड की चल रही है. तो जॉब लास्ट गोल आपका जो अगर जॉब है तो नेचुरली आपने अभी से डिसाइड करना है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो या प्राइवेट स्कूल में करना चाहते हो, क्योंकि दोनों तरह के कैंडिडेट होते हैं. लड़कियां जो कई बार चाहती हैं कि प्राइवेट में ही करनी है, लोकल करनी है, गवर्नमेंट की प्रेफरेंस नेचुरली ज्यादा है. तो गवर्नमेंट भी 2 आगे है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय विद्यालय है, तो सेंटर की जॉब भी हो सकती है जिनमें आपको बीएड चाहिए. और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट है, फॉर एग्जांपल इसमें पंजाब स्टेट की बात कर रहे हैं. अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लगना चाहते हैं तो आपको सीटेट क्लियर करना पड़ेगा आफ्टर या ड्यूरिंग बीएड, है ना, सेकेंड सेम के बाद आप कर सकते हो. अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब गवर्नमेंट स्कूल में लगना चाहते हो तो आपको एसटेट करना पड़ेगा. न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने लिख दिया है कि ये जॉइंट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं है, जो शायद एनटीए या सीबीएसई कंडक्ट करे. ये अभी बात की बात है. तो इसके बाद ये भी क्लियर हो गया, मान लीजिए ये भी आपका दोनों क्लियर हो गए, तो उसके बाद एक सुपर टेट है. लेकिन सुपर टेट जो टर्म है यूपी में जॉब सिलेक्शन टेस्ट के लिए यूज की जाती है. यहां मैं जॉब सिलेक्शन टेस्ट बोलूंगा कि जब जॉब ऑफर आ गई है, एडवर्टाइजमेंट आ गई है, गवर्नमेंट में आ गई है, दे दी है, तो आप अब और आपको फिर अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस का फिर एक सिलेक्शन टेस्ट देना पड़ेगा. तो इतने पड़ाव में से गुजर के आपने टेस्ट भी दे दिया, हो सकता है टेस्ट देने के बाद भी आप एलिजिबल ना हो. इस वीडियो में ये बात क्लियर करूंगा. तो ये बात होगी कि आपने किन पड़ाव में से गुजर के जाना है. अब बीएड में जब आपने चलना कहां से है, वहां हम खड़े हैं बीएड की बेस्ट कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए. सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ओके, उसमें 2 है, पेडागोजी 1, पेडागोजी 2. पेडागोजी 1 मेजर सब्जेक्ट जनरली कहा जाता है, दूसरा पेडागोजी 2 माइनर सब्जेक्ट कहा जाता है. तो इनमें डिफरेंस के लिए डिफरेंट वीडियो होगा, आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. तो हमने जो सब्जेक्ट चूज करना है, नेचुरली एक बात बता दूं कि जो मेजर पेडागोजिकल सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है कि वो आपको लास्ट तक लेके जाएगा जॉब सिलेक्शन. ये बातें हम कर चुके हैं पीछे के जॉब सिलेक्शन में कहां जाना है. अच्छा, आगे स्टेप पर एक और बात करना चाहूंगा कि आपने जब सी टेट या स्टेट टेट देना है तो आपने 5th तक टीचर लगने के लिए देना है तो टेट 1 दोगे. अगर आपने 8th तक लगने के लिए देना है टेट 2 दोगे. 10th के लिए बेशक नो टेस्ट है, यहां लिख दिया है, पर इसको मत मानिए, बिल्कुल गलत है. प्लस 2 के लिए कोई टेस्ट नहीं है, टीईटी का मत मानिए, क्योंकि एनईपी ने यस कर दी है कि 5th से लेके इवन केजी से लेके 10+2 तक जो फाउंडेशनल एजुकेशनल लेवल है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी करिकुलर स्ट्रक्चर में है 5+3+3+4, यही है ना स्ट्रक्चर. तो ये किसी भी स्ट्रक्चर में आप टीचर लगना चाहते हो, फर्स्ट लेवल फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, थर्ड और ये मिडिल और ये सेकेंडरी, प्लस 2 तक हो गया, किसी भी लेवल तक टीचर लगना चाहते हो, आपके लिए टेट कंपल्सरी हो जाएगा. ये होता कब है, अभी तक कुछ नहीं कह सकते. तो ये आपने डिसाइड करना है कि मैंने कौन से लेवल का टेट देना है ना. मान लीजिए आपने हायर लेवल का दे भी दिया, लेकिन आपको बाद में जॉब सिलेक्शन टेस्ट से गुजर के जाना ही पड़ेगा. जॉब सिलेक्शन टेस्ट के गुजरने के बाद फिर आप आगे आपके लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अच्छा, प्रॉब्लम क्या है उसको समझ लीजिए कि आपने सब्जेक्ट चॉइस करनी है. आपको कई यूनिवर्सिटी है, पंजाब की एग्जांपल लेके चल रहा हूं, कि ग्रेजुएशन में वो कहते हैं
कि आपने क्या पढ़ा है उसके बेस पर आपको इवन पोस्ट ग्रेजुएशन में भी क्या पढ़ा है उसके बेस पर आपको पेडागोजिकल सब्जेक्ट मिलेंगे। तो एक यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है जो एनसीटी ने 13 की लिस्ट दी थी उनमें से अगर एक पढ़ा है तो मैं आपको एसएससी दे दूंगा। ये एक यूनिवर्सिटी ने कह दिया, जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला है यहां पर, दूसरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, ऐसे इन्होंने भी कह दिया कि आप एसएससी ले सकते हो। ठीक है, दूसरे ने सोशियोलॉजी पढ़ी थी यहां से चले थे ना, तो इसने भी कह दिया कि यार आप एक अगर उनमें से पढ़ा है, ये मैंने दो की एग्जाम्पल ली है, आप 13 के 13 में से कोई आपने पढ़ा है तो आपको एसएससी मिल जाएगा, एसएससी मिल जाएगा। जो एक यूनिवर्सिटी ये कह रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, भैया नहीं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो मैं आपको हिस्ट्री दूंगी, पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री, एसएससी नहीं दूंगी। ये एसएससी के लिए इसने क्रॉस कर दिया। ये सोशियोलॉजी वाले हैं, इन्होंने कह दिया कि सोशियोलॉजी नहीं मिलेगी, सोशियोलॉजी मिलेगी आपको, आपको लेकिन एसएससी नहीं मिलेगी, क्रॉस कर दिया। ठीक, तो ये वेरिएशन है। एक यूनिवर्सिटी सिंगल सब्जेक्ट जिसने स्टडी किया है 13 सब्जेक्ट में से उसके को एसएसटी दे रही है, तो दूसरी उसको हिस्ट्री ही दे रही है। ऐसा क्यों है, क्या कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, क्यों पहुंचना आपने कहां तक है, जॉब तक पहुंचना है, ये अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये जो ये वाली फर्स्ट वाली यूनिवर्सिटी है, ये जो अगर मिनिमम 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वो भी 3 साल पढ़े हैं तब वो एसएसटी दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये सिंगल पर दे रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई है। ये रिटन डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूं जो प्रोस्पेक्टस है बीएड एडमिशन का, एक ये स्टार लगा हुआ है, स्टार में लिखा है कि टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज शैल बी ऑप्टेड बाय ग्रेजुएट हु हैव टेकन अप एनी 2 ऑफ दी फॉलोइंग सब्जेक्ट बीए और एमए लेवल। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इन्होंने कौन सी लिस्ट दी है, इन्होंने दिया है जो मैंने शुरू में गिनवाई है लिस्ट, ये वही है, एक एनवायरमेंटल स्टडी को छोड़ के। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एड है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, डिफेंस स्टडी है, रिलीजियस स्टडी है, सोशल वर्क है, कम्युनिटी एजुकेशन है। ये एनसीटी के मुताबिक एग्जैक्ट इन्होंने प्रोस्पेक्टस में डाल दिए, जो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बीएड का ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करी है उसके प्रोस्पेक्टस में से है। अच्छा, साथ में नोट लिखा हुआ है, ये जरूरी है कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला हैज अलॉट कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी एज ए मेजर सब्जेक्ट even with only one of the subjects from the above mentioned list. टीचिंग ऑफ ये अलग बात है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चर आर ऑफर्ड बाय पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एंड पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। ये जरूरी है कि ये 2 यूनिवर्सिटीज ने ये कह दिया है, आपने भैया एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप टीचिंग ऑफ सोशल साइंस कर सकते हो। तो नेचुरली अब क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के रीजन के जो हैं, वो अगर चाहते हैं कि यार मैंने सिर्फ हिस्ट्री पढ़ी है, जो केस लेके हम शुरू में चले थे है ना, कि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, क्यों ना मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में दूर जाके एसएससी कर लूं, क्या ये सही है, इस वीडियो में ये स्पष्ट होगा। अब क्या ये सही है का उत्तर कब मिलेगा, जब आप अपने स्टेट के या सेंटर के रूल को एनालाइज करते हैं कि जॉब सिलेक्शन के ये मतलब उनके क्या रूल है, वो रूल मैक्सिमम किससे मिल रहे हैं, एक तो यूजीसी की गाइडलाइन से और एनसीटीई गाइडलाइन से। जब कोई यूनिवर्सिटी रिलैक्सेशन दे देती है तो आप बीएड में तो एंट्री कर जाते हो, लेकिन बाद में आपको शायद आप बैठे रहते हो, आप नॉट एलिजिबल होते हो। देखते हैं अब तो पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं, रूल्स फॉर अपॉइंटिंग टीचर्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, टीजीटीसी की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, टीजीटी जिन्होंने 10th क्लास तक टीच करना है, मास्टर कैडर भी इनको बोल देते हैं। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या बताई है उन्होंने, उन्होंने कहा है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स चाहिए, बीएड में कितने हैं, मेरे ख्याल में 50%,
ये अब 50 से आपकी बीएड हो गई है, लेकिन जॉब के लिए 55% चाहिए, तो आप तसल्ली से शायद यहां ही बैठे रहोगे, आपको एक पॉइंट मिल गया कि मैंने 55 करने हैं। बेशक ये गाइडेंस होगी आपके लिए कि आप मैंने 55 करने हैं अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूं, वो आप इंप्रूवमेंट जैसे भी करिए, आपकी यूनिवर्सिटी जहां से ग्रेजुएशन की है वहां के रूल है। दूसरा, ग्रेजुएशन की कहां से होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो यूजीसी के ने रिकॉग्नाइज की हुई है यूनिवर्सिटी, उसमें से चाहिए। तीसरा, सब्जेक्ट कितने स्टडी हुए होने चाहिए, भैया 2 सब्जेक्ट्स पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए। अब जिन्होंने सिर्फ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था, सॉरी ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा था, लेकिन ये रहा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और ग्रेजुएशन में हिस्ट्री हो गया, और आपका जो है बीएड में आपने क्या ले लिया, एसएसटी। तो अब जॉब क्या कह रही है कि आपने यहां भी 2 पढ़े हुए होने चाहिए, आपने 1 पढ़ा है, दूसरा नहीं पढ़ा, यहां खाली है, जिसके कारण आप नॉट एलिजिबल हो गए। दैट इज वाई आपको जहां तो एडिशनल एकदम, ये नेक्स्ट गाइडेंस होगी, जिन्होंने टीचिंग ऑफ एसएसटी ले लिया है और उन्होंने 1 सब्जेक्ट सोशल साइंस का 13 में से पढ़ा है, वो एडिशनल सब्जेक्ट इमीडिएट दे दे, या दूसरी ऑप्शन देता हूं कि वो क्या चूज कर सकते हैं। अब ये हो गया 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, ऐसे ही हिस्ट्री है, ऐसे ही पीछे जो बात करके आए हैं सोशियोलॉजी की है, इकोनॉमिक्स की है, जितने सब्जेक्ट है अगर 1 पढ़ा है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। दूसरा, के लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स कौन सी लिस्ट है, एनसीटी ने 13 सब्जेक्ट लगभग दिए हैं, ठीक है, और बीएड एडमिशन के वक्त यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट सब्जेक्ट की लिस्ट दी हुई है, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये लिस्ट और डिफरेंट दी हुई है। ध्यान से देखिए, पीछे चलते हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट देखते हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब एनसीटी ने तो ये कहा है कि सिर्फ इसको छोड़ के ये 13 आपने इनमें से 2 पढ़े हों। अब किसी स्टेट की जब बारी आई है, यहां पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर टीचिंग की जॉब निकली है, तो उन्होंने लिस्ट कौन सी दी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशियोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडी, इसको उन्होंने यस की हुई है। तो जिन्होंने, इट मींस एजुकेशन, डिफेंस स्टडी, रिलीजियस स्टडी, सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क पढ़ा हुआ है, लेकिन बेशक वो एनसीटी ने दिया है, इनके बेस पर, एजुकेशन के बेस पर आप दूसरी यूनिवर्सिटी जाके एसएसटी कर चुके हो, डिफेंस स्टडी के बेस पर रिलीजियस, सोशल वर्क, कम्युनिटी एजुकेशन के बेस पर एसएसटी, पीएडब्ल्यूजी एसएसटी कर चुके हो, बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटिंग एज ए टीजीटी टीचर इन मास्टर केडर इन गवर्नमेंट स्कूल्स एग्जिस्टिंग इन पंजाब। तो इनको क्लियर भी कर लेते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो की, ये गजट जो है पंजाब गवर्नमेंट का, ऐसे ही अब आप प्री स्टेट का गजट देखिए, ये देखिए पंजाब गवर्नमेंट गजट June 1, 2018 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ब्रांच नोटिफिकेशन, ये जो हुई है उनके नॉर्म्स तक के बने हैं जो अप्लाई हो रहे हैं। हो सकता है कि जब नई गवर्नमेंट आए तो वो रूल चेंज कर दे, लेकिन वो रूल इन अकॉर्डेंस विद यूजीसी एंड एनसीटी ही रखते हैं। दैट इज वाई आपको एलिजिबिलिटी जो सब्जेक्ट चॉइस करनी है आपने, वो यूजीसी और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार करनी चाहिए। तो ये यहां पर इन्होंने दिया है कि ये एनसीटी या यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार है, मिनिमम वो क्वालिफिकेशन आपको बीएड करने के बाद अगर आपकी नहीं है तो पूरी कर लेनी चाहिए। तो उसके कंक्लूजन के रूप में मैं बताता हूं, यहां पर आते हैं जहां से हम चले थे, कि जिसने एक कैंडिडेट है ये साहेब, इन्होंने टीच ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी है और इन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी जाके एसएसटी कर ली है, लेकिन जॉब जब निकली है तो ये नॉट एलिजिबल हो गए, ठीक है। दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी आपको हिस्ट्री ही दे रही है, इन्होंने हिस्ट्री दिया, ठीक है, तो जॉब निकली, जॉब बेशक एसएसटी की बहुत ज्यादा, हिस्ट्री की बहुत कम निकली है ना, मान लीजिए 5% गिनती यहां नहीं बताऊंगा तो, लेकिन ये हिस्ट्री के लिए, क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री पढ़ी है और इन्होंने पेडागोजी और हिस्ट्री भी पढ़ ली है, लेकिन जब एकदम जॉब आती है वो क्राइटेरिया पूरे कर लिए गए हैं, जो जॉब सिलेक्शन टेस्ट है, जहां टेट लेवल टेट होना है, वो सारा कुछ पूरा करके, तो ये हिस्ट्री के लिए, इन जॉब के लिए एलिजिबल हो गए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ
ग्यारहवीं और बारहवीं क्लास के लिए एलिजिबल हो, ना कि सिक्स्थ से टेंथ तक। ठीक है, जॉब ज्यादा इनकी निकलती है, तो अगर एसएससी करते हो तो आप सिक्स से टेंथ तक के लिए एलिजिबल है, जो जॉब ज्यादा निकलती है। अब इसे लालच में हम इसको छोड़ के यहाँ आ जाते हो, ये अब आपका डिसीजन है कि आपने अभी हिस्ट्री चूज करके डायरेक्ट जॉब के लिए एलिजिबल बन जाना है, और बाद में ग्रेजुएशन में है ना एडिशनल सब्जेक्ट कर लेना है, फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी कर लिया, और बाद में बीएड में एडिशनल सब्जेक्ट कर लेना है, एडिशनल के मैं एसएससी का कर लूं, तो फिर आप बाद में ये दोनों क्लियर करके तीन तीन साल के पेपर देके एक ही महीने में हो जाते हैं, तो करके आप फिर जॉब जो इनके लिए एलिजिबल हो जाते हो, ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, ये थर्ड कैंडिडेट था, इसने हिस्ट्री और सोशियोलॉजी पढ़ी थी और एसएससी चूज किया, इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज व्हाई एसएससी है। क्यों? क्योंकि एसएससी की जॉब सबसे ज्यादा निकलती है, मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट है। दूसरा तीसरा, इन्होंने तीन साल अगर की है तो ये नेचुरली ये एनसीटी की तरह के अनुसार और यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार ये एलिजिबल है, अगर ये टेट और जॉब सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, वो बात की बात है। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गई। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है, देखिए फैक्टर और भी है, नेचर ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट है जो जॉब एवरी ईयर निकालती है, ठीक है, पंजाब में अब जो गवर्नमेंट आई है उससे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, नेचुरली जॉब निकल भी आई है, जो न्यूज आ चुकी है, तो अगर एवरी ईयर निकलती है तो इट मीन्स आप बीएड में वो सब्जेक्ट चूज करें, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस वीडियो, आप बीएड में वो सब्जेक्ट चूज करें जिसके लिए आप बीएड करने के एकदम बाद एलिजिबल हो जाते हो, ये मेरी तरफ से पक्का वो नहीं है, आपने चूज करना है। दूसरा, अगर ये ऐसी गवर्नमेंट है कि इलेक्शन के वक्त जो निकलते हैं पांच साल बाद वो भी पूरी नहीं हो पाती, तो फिर आप आराम से वो हिस्ट्री किया है आपने, सोशियोलॉजी किया है, आप उसकी जगह एसएससी चूज कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी ऐसी है कि उसने जल्दी जॉब नहीं निकालनी, आपके पास दो तीन चार पांच साल है ना, अगर इलेक्शन के दिन नजदीक है तो ये वाली ऑप्शन पहले वाली रहेगी, तो ये आपने क्या करना है, नेक्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन का एडिशनल सब्जेक्ट जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कहती है, जो ग्रीन वाले ये थे, इनमें से वो आपने करना है, चूज करना है, जो पीछे बता के आया हूं, और साथ में बीएड में पेडागोजी ऑफ एसएसटी या टीचिंग ऑफ सोशल साइंस का एडिशनल पेपर देना है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो उसके लिए, तो आपकी गवर्नमेंट एक फैक्टर है। तो आपकी सुजेशन डायरेक्ट क्या है कि डू एडिशनल इन ग्रेजुएशन जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट पढ़ा है, डू एडिशनल इन बीएड ऑफ एसएसटी जिन्होंने सिंगल सब्जेक्ट पढ़ा है, टेक योर ओन डिसीजन कि आपने पहले टेक योर ओन डिसीजन मीन कि आपने हिस्ट्री आपके पास थी कि आपने हिस्ट्री में ही रहना है, हिस्ट्री को लेके जॉब के लिए डायरेक्ट जल्दी एलिजिबल बनना है, या हिस्ट्री की जगह पर आप एसएससी ले लोगे पर जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपका वन ईयर मिनिमम लगेगा कि आप ग्रेजुएशन का प्लस बीएड का एडिशनल पेपर देते हो, ठीक, और बाद एक साल बाद आप एलिजिबल होते हो फिर इन जॉब के लिए एसएससी के लिए, ये डिसीजन आपने लेना है, पर ये नॉलेज यहां मिल गई है, डिसीजन आपका है। अच्छा, मेरे हिसाब से जहां पर रेगुलर पोस्ट हर साल निकलती रहती है उनकी उन्होंने अगर सिंगल सब्जेक्ट किया है तो वो है एसएससी को चूज कर रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटी जाके, तो वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, वो लालच बुरी बला है वाला काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही सोशियोलॉजी या बाकी सब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा सकता है। एक्चुअल में गाइडेंस क्या है कि जब आपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट रखने थे, अगर आप ये सोच के चले होते कि मैंने टीचर बनना है, तो आपने जॉब का क्राइटेरिया, देखिए स्टेट गवर्नमेंट का, यूजीसी का, एनसीटी का, वो पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। मेरे ख्याल में इंडिया में शायद ही कोई पर्सन होगा जिनको ये बात क्लियर हो, जब उसने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज करने हैं तो उनको जॉब सिलेक्शन के क्राइटेरिया पता होना चाहिए। ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है कि आपने कितना अवेयर रहना है, अगर आप टीचिंग प्रोफेशन
में आना चाहते हो, पर्टिकुलरली एसएसटी के लिए, टीचर के लिए एलिजिबल बनना चाहते हो, एसएसटी की जॉब लेना चाहते हो, सो बेस्ट इज दैट, बेस्ट चॉइस कैसे हो सकती है कि आप ये अपनी स्टेट गवर्नमेंट का गजट जो है, जिसमें रूल पब्लिश हो चुके हैं कि ये वाले रूल हैं, एलिजिबिलिटी है, जो पर्सन एसएससी का टीचर लगना चाहता है उसको स्टडी कीजिए, ये वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए हैं। देखिए इनके अलावा और भी अभी फैक्टर हैं जो आपकी सब्जेक्ट चॉइस के लिए, लेकिन इतना इन डेप्थ एनालिसिस कोई नहीं करेगा मेरे ख्याल में, मैं अकेला करके बैठा हूं ये वीडियो बना के, लेकिन मुझे तो अपना कर्म करना था, क्योंकि आपके लिए चैलेंज क्या है, सीटेट चैलेंज है या स्टेट टेट का चैलेंज है या जॉब सिलेक्शन टेस्ट या सुपर टेस्ट का चैलेंज है, ये भी आपने क्लियर करने हैं उसके लिए। और ये ही नहीं है, इसके अनुसार आपकी गाइडेंस क्या बनती है कि आप ये क्लियर कर लो, तो वो है आप किस सब्जेक्ट में पीजी हो, ठीक, जिसमें आपके पोस्ट ग्रेजुएशन है। नेचुरली ये क्यों बोल रहा हूं, अगर आपने 2 साल किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं, वो सब्जेक्ट की नॉलेज आपकी उसका सीटेट या एसटेट या जॉब सिलेक्शन टेस्ट, दिस इज पर्टिकुलर जॉब सिलेक्शन टेस्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगा। दैट इज वाई पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जिसकी आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो या कर चुके हो, उसको प्रेफरेंस में रखना चाहिए। दूसरा इंटरेस्ट, आपकी जॉब सिलेक्शन हो गई है, इंटरेस्ट क्या है, आपको वो सब्जेक्ट ही पसंद नहीं है, ये सॉफ्ट स्किल जब पढ़ाई जाती है ना, ये तो सिर्फ एंट्री के लिए है, जॉब में एंट्री होगी, लेकिन उसके बाद में आपको ये अच्छे रिलेशन बनाने हैं स्टूडेंट के साथ है, टीचर के साथ है, प्रिंसिपल के साथ है, कम्युनिटी के साथ है ना, तो वो पर्टिकुलरली आपको क्लास में जो है एंजॉय करें आप टीचिंग को, इनको पढ़ाते हुए है ना, तो अगर आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप एंजॉय करोगे। आपके 30-40 साल जितने भी गवर्नमेंट जॉब में निकलने हैं वो उसके लिए मेजर फैक्टर ये हो गया। देखिए दैट इज वाई पोस्ट ग्रेजुएशन, दूसरा जो है इंटरेस्ट, जब आपने सब्जेक्ट चॉइस करनी है एसएसटी या हिस्ट्री, हो सकता है आपका हिस्ट्री में ज्यादा हो, सोशियोलॉजी में ज्यादा हो, या आपका पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा हो, कोई पर्सन ऐसा हो सकता है इकोनॉमिक्स में ज्यादा हो, तो आप लेकिन उसमें जॉब अवेलेबिलिटी कम है, दूसरा फैक्टर आपके ऑपोजिट हो गया, तो आपने खुद प्रेफर करना है, आपने जॉब के लिए प्रेफर कर रहे हो या इंटरेस्ट को प्रेफर कर रहे हो, ये आपके एथिक्स है, ठीक, तो साइकोलॉजिकली इंटरेस्ट को प्रेफर करना चाहिए। तीसरा है एप्टीट्यूड, नेचुरली आपका पिछले जो ग्रेजुएशन में मार्क्स किस सब्जेक्ट के ज्यादा है, तो ये भी देखा जा सकता है, ये भी पहले से मैच कर रहा है। तीसरा पॉइंट है कि जो जॉब सिलेक्शन टेस्ट होगा या एसटेट या सीटेट होगा, उसके लिए आपको ये अच्छे मार्क्स मीन वहां उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एरिया आपका कॉम्प्रीहेंसिव है, वाइडर है, तो वो इनको क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। सो दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स, तो देखिए कितने फैक्टर हो गए, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड या मार्क्स है, अच्छा नेचर ऑफ गवर्नमेंट देखिए एक फैक्टर बन रहा है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके मार्क्स किसमें ज्यादा हैं, आपने 2 सब्जेक्ट कौन से पढ़े हैं, एनसीटी वाले, स्टेट गवर्नमेंट वाले, या कौन से पढ़े हैं ना, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ये बात हो गई के वो किनमें से लिए गए हैं, अच्छा आपने 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है, ये फैक्टर सारे बन रहे हैं आपकी चॉइस के लिए। बीएड पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस आपने प्रेफर करना है या हिस्ट्री जो सिंगल सब्जेक्ट है उसको प्रेफर करना है, सो दीज आर द मेजर फैक्टर्स। आप यूनिवर्सिटी एक फैक्टर है कि एक यूनिवर्सिटी है कि वो पूरा यूजीसी और एनसीटी की गाइडलाइंस को के अनुसार आपको बीएड करवा रही है, दूसरी रिलैक्सेशन देके करवा रही है, नो डाउट दूसरी यूनिवर्सिटीज भी हेल्प कर रही है, क्योंकि जो आप टेंशन में हो और दूसरी यूनिवर्सिटी जाके सिंगल हिस्ट्री पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, आपने टीचिंग ऑफ एसएसटी कर लिया, आपकी एडजस्टमेंट हो रही है, मतलब कोई भी इस ये नहीं कह सकते कि कोई अच्छा है या बुरा है, आपकी एडजस्टमेंट है, आपने कैसे करनी है, तो दीज आर दी फैक्टर्स फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट सिलेक्शन ऑफ पेडागोजिकल सब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सोशल साइंसेज। बेस्ट चॉइस क्या होगी, सिंगल आंसर नहीं हो सकता, लाइफ के किसी क्वेश्चन का आंसर है लेकिन सिंगल आंसर समझ नहीं आते, दैट इज वाई एनालिसिस करना पड़ता है, डिस्कशन करनी पड़ती है, जो उसके पार्ट्स हैं उनको रिलेशन देखने पड़ते हैं। सबसे जरूरी आपकी प्रेफरेंस क्या है, द सेंट्रल आइडिया गाइडेंस का क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप क्या चाहते, दिस इज द क्वेश्चन फॉर लाइफ, आप क्या चाहते हो। अगर मैं ये क्वेश्चन आज भी आपसे पूछता हूं कि बी एड में लाइफ में रिश्तों में है ना मैरिज के रिगार्डिंग आप पार्टनर अपने प्रेमी को सिलेक्ट करना है, आपने जब प्रेम हो जाता आप चाहते क्या हो यार,
अगर ये क्लियर ही नहीं है, कहां से चले थे? मुदालियर एजुकेशन कमीशन में 52-53 में रिपोर्ट सबमिट हो गई थी कि स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसे बोला जाता है कि बच्चों की क्लियर थिंकिंग कर दो, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप चाहते क्यों है, यही क्लियर नहीं है। किसी से पूछ लो, अपने रिश्ते से पूछ लो, जिससे आप थोड़ा डिस्टर्ब हो, जिसको आप चाहते हो, जिस रिश्ते को मेंटेन रखना चाहते हो, उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछो यार आप चाहते क्या, उसको लिखो कि आप चाहते क्या। लिखना क्यों है? क्योंकि क्लियर नहीं है। जब तक क्लियर नहीं है, मुदालियर कमीशन ने बिल्कुल ठीक कहा है, लाइफ बेटर नहीं हो, गाइडेंस इफेक्टिव नहीं हो, आप क्लियर अच्छी चॉइस नहीं, बेस्ट चॉइस की तरफ नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा कि साइंस के टीचर्स की क्या प्रॉब्लम है, वो भी वैसे समझ लेते हैं कि मैंने टीचिंग ऑफ पेडागॉजी ऑफ साइंस पढ़ लिया है तो मैं एलिजिबल हूं, ऐसा नहीं है, उनकी भी डिफरेंट एलिजिबिलिटी हो सकती है। वो वीडियो देख सकते हो, नीचे रिलेटेड लिंक्स दिए गए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। आपके इसके रिगार्डिंग, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट चॉइस के रिगार्डिंग आपकी कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई गलती हो रही हो तो माफ करना, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका टाइम, मनी और एनर्जी बचे, क्योंकि जो जब मुझे नहीं मिला, मुझे गाइडेंस नहीं मिली तो वो मैं आपको दे सकूं, इसीलिए ये चैनल शुरू किया गया था। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।